हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत टाइम के बाद आज अभी हमारी वीडियो दोबारा से आ रही है बेटा। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए आप सभी लोगों को सॉरी। और आप लोगों ने, जैसा कि हम लोगों ने कमेंट बॉक्स पढ़ा, तो उसमें आप लोगों ने मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का पूरा आप लोगों ने समरी या फिर वन शॉट नोट्स मांगा। तो बेटा आज हम उसी पर वापस आते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहली चीज बेटा, हम लोग को ये देखना है कि मैग्नेटिज्म आया कहाँ से। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग एक साइंटिस्ट थे, ओरस्टेड। इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा। एक्सपेरिमेंट अगर सच में देखा जाए तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया नहीं था, ना चाहते हुए भी आप मानिए कि ये हो गया। ये एक्सपेरिमेंट ना चाहते भी हो गया। और बेटा होने से ये क्या हुआ कि मैग्नेटिज्म वाले फील्ड में, साइंस में बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन आ गया, मतलब क्रांति आ गई। कैसे आई देखिए बेटा, उन्होंने क्या किया, कुछ किया नहीं, उन्होंने एक सर्किट के बगल में, उन्होंने एक सर्किट लिया बेटा और उसके बाजू में एक कंपास रख दिया। और जब एक स्विच को ऑन करते थे, इस की से की को ऑन करते थे, तो इसके अंदर करंट फ्लो होता था। और जब इसके अंदर करंट फ्लो होता था, तब ये देखते थे कि इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन आ रहा है। इस आपके कंपास के अंदर कोई डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये डाउट में आया कि ये डिफ्लेक्शन आ कहाँ से रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद 1820 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी। अब मैग्नेटिक, यहां से बेटा हम लोगों के मैग्नेटिक इफेक्ट का ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का स्टार्ट होता है, मतलब मैग्नेटिज्म में का एक बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस यहां से स्टार्ट होता है। तो आइए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो में। लास्ट तक बेटा आप लोग बने रहिएगा, और आपको जो भी नोट्स होगा, आप, मैं यहाँ पे जितना भी आपको वन शॉट नोट्स दे सकता हूँ वो मैं लिख के दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड देन आफ्टर आप जो भी डाउट होगा आपने डाउट को पूछ लीजिएगा बेटा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, पहली टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेट, एक्चुअल मैग्नेट होता क्या है। तो बेटा द फर्स्ट थिंग इज मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है बेटा, हम लोगों ने बहुत सुना है मैग्नेट के बारे में, यूज देखा है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, होता क्या है मैग्नेट। तो बेटा मैग्नेट हम एक शॉर्ट में कह सकते हैं, अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस, लाइक हम कह सकते हैं कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा। मतलब कि मैग्नेट बेटा एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आयरन या आयरन की जैसी चीजों को अट्रैक्ट करता है, या फिर आयरन की जैसी चीजें लाइक कोबाल्ट हो सकता है, निकल हो सकता है, और कुछ एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी हो सकते हैं। या फिर अगर हमको किसी और अनदर वे में डिफाइन करना हो, तो हम ये भी बोल सकते हैं बेटा कि अ सब्सटेंस which generates magnetic field, a substance which generates what magnetic field, इसे भी हम magnet बोल सकते हैं। लेकिन बेटा अब यहाँ पे फिर से एक हमारा बहुत बड़ा doubt आ जाता है कि actual magnetic field क्या होती है। तो बेटा magnetic field क्या होती है, इसको हम लोग अभी जानते हैं कि magnetic field क्या होती है। आइए हम लोग देखते हैं magnetic field के बारे में थोड़ा। अब एक बात सुनिए, हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट को हम थोड़ा दूर दूर रख देते हैं, यहां पे रख देते हैं, तो क्या एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। थोड़ा और पास लाते हैं, तो हो सकता है ये अट्रैक्ट करे, क्या जरूरी है कि ये अट्रैक्ट ही करेगा, नहीं, ये अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है। अब हमको ये देखना है कि बेटा हम यहां पर आ रहे हैं तो ये अट्रैक्ट या रिपल कुछ भी कर रहा है, लेकिन कर रहा है, और इसके बाहर ले जा रहे हैं तो इस पे दूसरे मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा और अंदर ले जा रहे हैं तो देख रहे हैं दूसरा मैग्नेट थोड़ा वाइब्रेट करने लग रहा है। इससे हम लोग ये कंक्लूड करते हैं बेटा, एक कंक्लूजन निकालते हैं कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड चारों तरफ
कोई एक ऐसा स्पेस है या एरिया है या जगह है जिसके अराउंड एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे कोई इफेक्ट डाल रहा है, तो जो इफेक्ट जो उस एरिया होता है बेटा, या वो जगह होती है, वो रीजन होता है, उसी एरिया या उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी हम डेफिनेशन आपको लिख देते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड द एरिया और रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स। एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बेटा, वो आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कुछ भी हो सकता है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है या रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी पोलैरिटी उसके सामने आ रही है। अब बेटा फिर से ये बात आई कि पोलैरिटी क्या होती है, आइए हम लोग ध्यान देते हैं पोलैरिटी क्या होती है। देखिए बेटा, कोई एक मैग्नेट है, मान लीजिए हमको ये पता है बेटा मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक्चुअल इसे हम लोग अभी हम आपको डिफाइन कर, देखिए टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, पहला नॉर्थ पोल, इसको बेटा हम लोग नॉर्थ सीकिंग पोल भी कहते हैं, और दूसरा साउथ पोल, जिसको हम लोग साउथ सीकिंग पोल भी कहते हैं। अब बेटा ये आया कि ये नॉर्थ सीकिंग पोल और साउथ सीकिंग पोल कहाँ से आया बेटा, ये इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो इसका कॉन्सेप्ट आया बेटा अर्थ से, बिकॉज अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट। अर्थ एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैग्नेट का, क्योंकि बेटा अर्थ क्या करती है, सभी चीजों को अट्रैक्ट करती है, टूअर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट करती है। तो बेटा जो अर्थ के पोल होते हैं, अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है, उधर ही हम लोग मैग्नेट का नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जिधर अर्थ का साउथ पोल होता है बेटा, उधर ही हम लोग मैग्नेट का साउथ पोल बोलते हैं। इसीलिए हम लोग इसको नॉर्थ सीकिंग पोल या फिर साउथ सीकिंग पोल के नाम से भी जानते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग आपको डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया और रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स, मतलब एक ऐसा एरिया, ऐसी जगह है जिसके पास दूसरा मैग्नेट आने से एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आइए बेटा देखिए, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड तो देख लें क्या होता है। अब देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं बी से। अब बेटा आपको सही बताया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग अगर ढंग से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। और बेटा इसकी एसआई यूनिट जो होती है, इसकी एसआई यूनिट इज, ढंग से देखिए तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन इसको बेटा साइंस में टेस्ला साहब ने, निकोला टेस्ला साहब ने डिराइव किया था, तो उन्होंने अपने नाम पे इसकी यूनिट दे दिया, तो हम लोग इसको टेस्ला से भी इसकी यूनिट जानते हैं। तो मतलब बेटा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक बात सुनिए बेटा, आपको सारा का सारा नोट्स सब बोर्ड पे लिख दिया जा रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बिकॉज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, बिकॉज बेटा 10th की फिजिक्स में इकलौता ऐसा चैप्टर है बेटा ये मैग्नेटिज्म, जिसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, प्योर थियोरिटिकल चैप्टर है बेटा, और बोर्ड में ये 6 to 7 marks कंटेन करता है, तो 6 से 7 marks का बेटा ये चैप्टर आता है, और हम लोग इसको ईजिली लेके छोड़ देते हैं, तो जो हम लोग मार्क्स अच्छा अचीव नहीं कर पाते, तो इस चैप्टर को अच्छे से आप ध्यान देंगे तो आपका 6 से 7 marks प्योर सिक्योर हो जाएगा। आइए हम लोग आप अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आइए बेटा, यस, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बेटा ध्यान से समझिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस बेटा, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है, काल्पनिक एक इमेजिनरी लाइंस होती है, विच आर जनरेटेड अक्रॉस अ मैग्नेट।
मतलब बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइन होती हैं, मतलब ये काल्पनिक होती हैं, ये रियल एक्चुअल में दिखती नहीं है हमको, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और जो क्या करती हैं कि ये मैग्नेट के चारों तरफ जनरेट हो जाती हैं। तो ये बेटा अभी तक की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक की क्लास में हम लोग ने ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा। ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा कि इन ईयर 1820 ओयस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने ये उससे कंक्लूड किया कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो बेटा वहीं से हम लोगों का ये चैप्टर आया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको पढ़ने के लिए बेटा हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक कवर किया कि व्हाट इज मैग्नेट। तो वहां पे हम लोगों ने देखा बेटा मैग्नेट इज अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस, मतलब कि वो आयरन या आयरन के जैसे लाइक कोबाल्ट और निकल इन जैसे एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि ये एक एरिया होता है, रीजन होता है या क्षेत्र होता है मैग्नेट के चारों तरफ, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो वो पहला मैग्नेट उस पे चाहे अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव कोई एक फोर्स लगाएगा। अब ये मैं आपको उसके बाद बताया कि कैसे लगाएगा, तो वो बेटा डिपेंड करता है पोलैरिटी पे। मैं आपको ये बताना भूल गया था, आप सुन लीजिए। अगर बेटा सेम पोलैरिटी सामने आएगी, मीनिंग नॉर्थ और नॉर्थ आएगा या फिर साउथ और साउथ आएगा, तो बेटा यहाँ पे होगा रिपल्सन, मतलब एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। सेम पोल्स के आदमी, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, इन पोलैरिटी की चीजें आएंगी बेटा, तो वो एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, सही बात है। और जब ऑपोजिट पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ साउथ या फिर साउथ नॉर्थ, ये पोलैरिटी आएगी बेटा, तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, ठीक है। मतलब सेम पोलैरिटी, मतलब हम ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि सेम पोल्स रिपल ईच अदर, एंड और ये हम बोल सकते हैं कि लाइक पोल्स रिपल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ठीक है बेटा, हम लोगों ने अपनी पिछले की टॉपिक सारी 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 रिवाइज कर लिया है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा। आर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। अब बेटा हमको इसके बाद ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की वजह से कैसी होती है, कैसी होती है। मैम हम लोग ये क्या क्या देखेंगे अभी, आइए हम आपको बताते हैं बेटा, एक रीकैप देते हैं। हम लोगों को ये देखना है बेटा कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, कहाँ मैक्सिमम होती है, कहाँ मिनिमम होती है, उसकी क्या क्या सारी प्रॉपर्टीज, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं बेटा। आइए देखिए, अज्यूम करिए कि ये आपका एक बार मैग्नेट विद पोलैरिटी नॉर्थ एंड साउथ। तो हम प्रॉपर्टीज से आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। पहली प्रॉपर्टी इसका ये बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स ऑन साउथ पोल। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ को जाएंगी। ध्यान से सुनिए बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ को जाएंगी। अब देखिए बेटा, इस चैप्टर में एरो मतलब उसके डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या बोला, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ को जाएंगी। देखिए नॉर्थ से निकल रही हैं सभी और साउथ की तरफ जा रही हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लियर, पहला क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स ऑन साउथ पोल, ये पहली प्रॉपर्टी बोला। अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बोलता है बेटा इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर इट फ्लोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मतलब मैग्नेट के अंदर ये कैसे फ्लो करेंगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। लेकिन एक्चुअल में बताया बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि आप ये देखिए, एक ये मैग्नेट अगर है छोटा सा, तो हमारी एक प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा क्लोज कर्व का फॉर्मेशन करती हैं, मतलब कुछ ऐसी फील्ड लाइंस फ्लो करती हैं ऐसे, मतलब मैग्नेट के बाहर आप देखिए क्या दिख रहा है, ये नॉर्थ से साउथ चलें और अपने फ्लो को कंप्लीट करने के लिए अंदर साउथ टू नॉर्थ चलनी है। तो इसी को मुझे समझाने के लिए आपको मैं दो प्रॉपर्टी में बता दिया कि मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ चलेंगे और अंदर साउथ से नॉर्थ चलेंगे। यहां तक दो प्रॉपर्टी क्लियर हुई। अब तीसरी प्रॉपर्टी तो ये खुद बता रहा है, क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कर्व का फॉर्मेशन करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कर्व का फॉर्मेशन करती हैं।
कैसे फॉर्मेशन करती है, ये दिख रहा है आपको। चौथी बात क्या हुआ, चौथी प्रॉपर्टी ये बोलता है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिडायरेक्शनल। ये यूनिडायरेक्शनल होती है, कैसी यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब मैग्नेट के बाहर ये हमेशा कुछ भी हो जाए हमेशा नॉर्थ से साउथ ही फ्लो करेंगी, और अंदर कुछ भी हो जाए हमेशा साउथ से नॉर्थ ही फ्लो करेंगी। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोलता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बोला बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, अभी हम आगे देखते हैं बेटा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आप बोर्ड का पेपर उठा के देखेंगे तो 2 मार्क्स में आया है कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बहुत बार आया बेटा। तो अब आप, हम उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी आप पहली पांचवी प्रॉपर्टी समझिए। क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी, छठी और लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंस। डेंस मतलब घना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंस। देखिए यहाँ घना, घना मतलब बहुत ज्यादा डेंस है, देखिए यहाँ पे पास पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंस नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, देखिए दोनों पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस है, मतलब पास पास है। एंड इट गेट वाइडली सेपरेटेड, और ये दूर होती जाती हैं कब, एंड इट गेट वाइडली सेपरेटेड एज वी गो अवे फ्रॉम द पोल्स, मतलब कि ये एक दूसरे से दूर होती जाती हैं कब, जब हम लोग पोल से दूर जाते हैं। देखिए इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई, इसके बाद फिर से कम होने लगी। क्यों कम होने लगी बेटा, क्योंकि हम लोग दूसरे पोल की तरफ अप्रोच करने लगे। दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। एक बार फिर से हम सारे प्रॉपर्टीज को समराइज करते हैं जल्दी से मैं, देखिए क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी बोला बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स ऑन साउथ पोल, पहला बोला। दूसरा क्या बोला, इनसाइड मैग्नेट इट फ्लोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मतलब पहला बोला कि नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ चलेंगी। दूसरा क्या बोला, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलेंगी। तीसरा क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कर्व का फॉर्मेशन करेंगी, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या, क्लोज कर्व का फॉर्मेशन करेंगी। चौथा बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिडायरेक्शनल होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगी। पांचवा बोला कि दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और छठा और लास्ट बोला कि वो पोल्स के पास डेंस होंगी, मतलब घनी घनी होंगी, और पोल से जैसे ही हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती हुई चली जाएंगी। ये सारी प्रॉपर्टीज है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट के। आइए हम एक शॉर्ट में आपको नोट्स की तरह दे देते हैं। पहला बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स ऑन साउथ पोल। दूसरा बोलता है बेटा इनसाइड मैग्नेट इट फ्लोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तीसरा बोलता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL का मतलब आप समझिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स, हमेशा बेटा क्या, क्लोज कर्व बनाएंगे। चौथा बोलता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिडायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शनल होंगे बेटा। पांचवा बोलता है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और लास्ट बोलता है डेंस नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेट एंड गेट वाइडली सेपरेटेड एज वी गो अवे फ्रॉम पोल्स। तो बेटा देखिए हम सभी प्रॉपर्टीज आपको एक शॉर्ट फॉर्म में दे दी है, ये मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के थ्रू ये सारी प्रॉपर्टीज है। अब
बेटा बताने को तो मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि मैग्नेट, अब ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन था ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्यों नहीं करती हैं। लेकिन हमारा आपसे एक सजेशन है कि आप इस टॉपिक को देखिए, कहीं बुक से देखिए और कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए कि क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती हैं। और बेटा उसके बाद हम अभी देखिए बेटा, इस पूरे चैप्टर को हम वीडियो बाय वीडियो, वीडियो बाय वीडियो आपको खत्म करेंगे। तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसी इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसके बाद बेटा इस टॉपिक के बाद हम लोग बहुत अच्छा मैग्नेटिज्म में प्योर घुसेंगे। क्या घुसेंगे कि हम ये देखेंगे बेटा मैग्नेटिज्म में कि अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेटिज्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बेटा हम आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आज आप लोग पूरा, आपको जो भी टॉपिक समझाया गया है वो समझ में आया होगा। आगे की क्लास से हम इसके आगे फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे, पार्ट बाय पार्ट, 5 से 6 पार्ट में बेटा हम इस चैप्टर को पूरा पूरा कंप्लीट कवर अप करेंगे। इसके साथ बेटा हम आज की क्लास को एंड करते हैं। चैनल को बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए।